वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू मून अमावस्या मेडिटेशन विच इज़ वेरी ब्रांड न्यू चैनल्ड जस्ट बिफोर 15 मिनट्स बाई कामिनी जे के एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू डू दिस मेडिटेशन टूडे. सो रिलैक्स योर माइंड बॉडी एंड सोल. जो भी टेंशन है वरीज है एवरीथिंग जस्ट गिव कमांड दैट आई रिलीज आई रिलीज आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज. आई रिलीज ऑल द स्ट्रेस वरीज टेंशन एंड ऑल द बैगेज विच आई एम कैरिंग इन माई माइंड बॉडी एंड सोल. आई रिलीज आई रिलीज आई रिलीज. कोई विचार आ रहा है कि क्या होगा कल, क्या होगा, वो कैसे होगा, होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट कन्फ्यूजन वरीज. जितने भी विचार अगर आ रहे हैं ना, मैं बोल भी रही हूँ और आपको साथ साथ अगर कोई विचार आ रहे हैं, देन जस्ट से आई रिलीज आई रिलीज आई रिलीज ऑल वरीज ऑल टेंशन्स एंड अपलिफ्ट योर एनर्जीज. फॉर दैट आई रिक्वायर टू क्लेंज योर एनर्जीज, बिकॉज आज जो मेडिटेशन हम करेंगे वो बहुत अलग सोल लेवल का है. सो आई रिक्वायर टू क्लेंज योर ऑरा सो दैट यू कैन रिसीव द एनर्जीज. सो सबसे पहले तो मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैनलिंग राइट नाउ. जिस भी लोगों को फील होने लग जाएगा, सभी को, मतलब आप लोगों को एक लेयर फील होगी, एक वाइब्रेशन फील होगी कि कुछ ऐसे निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना, काइंड ऑफ जस्ट फील द वाइब्रेशन एंड यू आर गेटिंग चैनल्ड विद द एनर्जीज. वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज हैं. जय श्री. बहन आँखें बंद कर दो, रिलैक्स होके बैठ जाइए. बहुत सुपर एनर्जीज आर कमिंग टुडे, बहुत सारी सुपर मस्त वाइब्रेशंस, मस्त एनर्जीज. आई कैन सेंस एवरीबडी इज रिसीविंग सो फाइनली. अभी मैं चैनलिंग कर रही हूँ. पहले तो जो लोग न्यू ज्वाइंट हुए हैं ना, वो लोग अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए इफ़ पॉसिबल. एवरीबडी हु हैज़ ज्वाइंट राइट नाउ, अपना वीडियो ऑन रखिएगा और आंखें बंद करके बैठ जाइए. ये मेडिटेशन शुरू हो रहा है एंड ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल्ड बाय मी जस्ट बिफोर 15 मिनट्स. वेरी वेरी ब्यूटीफुल अमावस्या का मेडिटेशन है. स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग. मैं आपकी सबकी क्लिनजिंग करती हूँ. तब तक हो सके तो वीडियोस ऑन रखिएगा. मैं आपकी क्लिनजिंग कर रही हूँ. जस्ट आपको ये सोचना है कि आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही है. ऑल द नेगेटिव एनर्जीज विच इज़ नॉट सर्विंग यू, विच इज़ क्रिएटिंग हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ आर रिलीजिंग. चैताली आपको बोलना है मन में, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बिकॉज आई कुड सेंस सम हैवी हैवी एनर्जीज. आई रिलीज थोड़ी देर बोलते रहो. सो मच हैवी हैवी एनर्जीज आर देयर एंड इट इज़ रिलीजिंग. All the entities attached, all the negative energies attached, please remove. And I'm now I'm giving you waterfall Reiki so that you can remove all the clutter energies. जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको बाधा बना के रखा है आपकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, वो एनर्जीज अभी रिलीज हो रही है. वाटर हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पावर टू रिलीज एंड क्लेंज इट. सो क्लिनजिंग हो गया है सबका एंड नाउ हीलिंग. Everybody is getting healed with the divine waterfall Reiki. So much heavy, heavy energies are releasing. I release. Beautiful. सबका चैनलिंग हो गया है. जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को भी मैं चैनल कर रही हूँ. जस्ट मन में आप लोग सब आंखें बंद करके रिलैक्स होके अब मस्त वैसे ही जाओ, टेको दही ने एंड जे हूँ बोलूँ ए फील करवानू. आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज एक बार बोल दीजिए. और आप सब अभी जितने भी लोग मौजूद हैं सब लोग चैनल हो चुके हैं, क्लेंज हो चुके हैं, हील भी हो चुके हैं, ताकि आप जो मेरे मेडिटेशन की जर्नी है उसमें जा सको. कूल cool.
Relax. Now we will start our meditation. Breathe in from your nose and breathe out from your mouth. Again, breathe in and breathe out. Again, breathe in and breathe out. आज है अमावस्या, वो भी सोमती अमावस्या, और वो भी श्रावण महीना का लास्ट दिन. एंड दिस इज सो पावरफुल एनर्जीज. लेकिन आज चांद नहीं होता है. सो टुडे जो मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं वो है अमावस्या का मेडिटेशन. तो आप सब लोगों को जो मैं बोलती जाऊंगी वो देखना पड़ेगा और फील भी होगा, उसकी गारंटी मेरी है. जस्ट रिलैक्स. नाउ थिंक दैट आप सब लोग आपकी जगह पर ही बैठे हो, जहाँ पे आप हो वहीं पे बैठे हो. लेकिन ऊपर जो है ना काला काला स्काई, पूरा अंधेरा, क्योंकि अमावस्या की रात है. सो बिल्कुल अंधेरे वाली रात है और आप अपने घर में, जहाँ पे मैं आपको देख पा रही हूँ, एक शांति वाली जगह पे आप बैठे हुए हो. ठीक है, अब हो क्या रहा है ना कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपकी फिज़िकल बॉडी को भी आपके घर में ही रहना है. सो आप सब यहीं पे बैठे रहोगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको जो बोल रही हूँ वो देखो. आप एक बाहर आसमान को देखिए, बिल्कुल अंधेरा है, चंद्रमा की रोशनी तक नहीं है. और उस आसमान से अचानक से, स्काई में से अचानक से एक धड़ाम देखें, कुछ खुलता है, जैसे शटर खुलता है ना, वैसे कुछ खुलता है. और जैसे ही वो खुलता है, एक फटाक देखें, एक सोल नीचे गिरता है, वो आपका खुद का सोल है. प्लीज़ डरना मत, जो लोग पहली बार ज्वाइन हुए हैं, प्लीज़ डरना मत. दिस इज़ सो एनर्जी, ये सब बहुत ही एनर्जेटिक वर्क है एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. आपको बहुत अच्छा ही फील होगा. सो जैसे ही आपका ऊपर आसमान पे देख रहे हो अंधेरा है और पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, अमावस्या की गहरी रात है, और ऐसे ही आसमान से एक शटर खुलता है और उसमें से आपका ही सोल नीचे गिरता है. दैट मीन्स आपका सेवेंथ बॉडी, जिसको बोलते हैं हम सेलेस्टियल बॉडी, नीचे गिरता है, आसमान से गिरता है. आप सबको गूज़बम्स आ सकते हैं, वाइब्रेशंस आ सकती है, उसकी कोई चिंता नहीं है, रिसीव करो बस. और जैसे ही वो सोल नीचे गिरता है ना, आप देख रहे हो कि पूरा काला काला जंगल, सिर्फ अंधेरा, अंधेरी रात और सुनसान जंगल है और कुछ भी नहीं है. आपका सोल है वहाँ पे और वो सोल अभी आगे जा रहा है, धीरे धीरे वो जंगल की सैर कर रहा है. आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं इतने अंधेरी रात में क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन आपको जाना है. आगे बढ़ो धीरे धीरे. इस जंगल में अंधेरी रात है, सुनसान है, कोई भी नहीं है, ना चंद्रमा की एक किरण भी नहीं है. आप उस जंगल में चलते चलो, आगे बढ़ो, आगे चलो, एकदम आगे चलते जाओ. फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कुछ भी तो नहीं है. लेकिन आपके सामने थोड़ा, जैसे ही आप आगे चले ना, आपके सामने एक ज़बरदस्त मस्त गुफा दिखाई देगी, एक केव दिखाई देगी. अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उस केव में जाना ही पड़ेगा. आपका सेवेंथ बॉडी, आपका सोल, उस सेवेंथ बॉडी, आपका सोल जो है वो उस केव में एंटर कर रहा है. और आप जैसे ही उस केव में एंटर कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी में गूज़बम्स, एनर्जी, वाइब्रेशंस, कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ अलग जगह पे मैं आ गई हूँ. लेकिन अगेन अंधेरा ही अंधेरा है. और फिर भी आप आगे बढ़ो. और आगे बढ़ते चलो. और अब आपको बहुत ही डरावना सा जंगल है, क्योंकि आप अभी बहुत ही स्कैरी प्लेस में जाओगे धीरे धीरे. लेकिन आप रिलैक्स हो जाइए, आपकी सोल एनर्जीज वहाँ पे है, आप इधर ही हो. ठीक है, अब आप जिस केव में जा रहे हो ना, उस केव के अंदर आपको धीरे धीरे थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे आप देखोगे ना,
तो छोटे 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 जानवर, इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स भी दिख सकते हैं, कुछ एनिमल्स भी दिख सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा आगे चलते जाओ, रुकना मत, इस गुफा को पार करना है ना हमें, तो चलते जाओ चलते जाओ। जैसे ही आप चलोगे ना, आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ तो दिखेगा, पैरों में कोई इंसेक्ट आ जाए, लेफ्ट में कोई बर्ड आ जाए, स्नेक आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अब वो आपको देखना है कि आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है, आपको कौन सा बर्ड, इंसेक्ट, क्या दिख रहा है वो देखो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू सी दैट विच एनिमल इज़ सराउंडेड बाई यू, या आपके आसपास कौन सा एनिमल है, आप क्या देख पा रहे हो। थोड़ी देर के लिए आप उस एनिमल को सर्च करो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप फिर भी अपनी केव में चलते रहो, क्योंकि केव बहुत लंबी है, गुफा बहुत लंबी है, आपको चलना है उस गुफा में, आगे बढ़ना है। और चलते चलो चलते चलो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि जैसे ही हमने गुफा में पैर रखा था ना, एनिमल्स वेर एक्टिवेटेड एंड दे वेर कनेक्टेड विद अस, सो यू विल डेफिनेटली फील सम एनर्जीज ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। चेक करो, फील करो, देखो कौन है, आपको देखना है, अच्छे से देखो ऊपर नीचे आसपास कौन दिख रहा है। अगर आपको कोई भी एनिमल दिख रहा है, डॉग है, किसी को बर्ड दिख रहा है, किसी को आउल दिख रहा है, किसी को वुल्फ दिख रही है, कुछ भी दिख सकता है, हॉर्स दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है, बिच्छू दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, उसके साथ आपको चलना है। अब वो आपका कंपेनियन हो गया है फॉर टुडेज़ अमावस्या नाइट। अब जो भी एनिमल आपको दिखा है, अगर आपको कोई एनिमल नहीं दिखा है, जिनको अगर किसी को मतलब अगर एनिमल नहीं दिखा है, तो वो वुल्फ को अपना एनिमल बनाकर उस केव को पार करने के लिए उसको अपना एनिमल बना के आगे बढ़ सकते हैं, जिसको नहीं दिखा है उसके लिए सिर्फ। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे एनिमल हमारे साथ चल रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, अनेक भी हो सकते हैं, लायन भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस एनिमल के साथ आपको अभी केव पार करनी है। आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़े, और अब बहुत थक गए आप, कितनी लंबी केव है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो ख़त्म हो जाए। तब आपने अपने एनिमल से कहा कि एनिमल स्पिरिट, एनिमल अमावस्या एनिमल, प्लीज़ हेल्प मी कि मेरी ये केव जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो एनिमल ने आपको ऐसा हेल्प किया कि फटाफट केव पार कर दिया, या तो उसने उसके ऊपर बिठा लिया, या उसने ऐसा कुछ मैजिक किया कि फटफट आपकी केव ख़त्म हो गई, और धड़ाम देके आप 2 ही मिनट में केव से बाहर आ गए हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ योर एनिमल स्पिरिट और द एनिमल ऑफ द डे द नाइट। ओके, सो जैसे ही आप बाहर आ गए केव के, यहाँ पे थोड़ा सा घबराना मत, मुझे जो दिखा है मैं वही आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी एंटिटीज़ पड़ी है, बहुत सारी, वो बोलते हैं ना, आप पितरू की जो होती है एंटिटीज़, या किसी की भी होगी, आपको दिखेगा केव के बाहर। सो डरना मत, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गेटिंग रिलीज फ्रॉम आवर लाइफ, सो डोंट वरी। वो सब पड़ी है एकदम नीचे, जैसे नहीं एवरीबडी इज़ लाइक पड़े होती है एंटिटीज़, वैसी दिख रही है आपको, और आप थोड़ा सा घबरा भी रहे हो। लेकिन हम हमारे एनिमल को कहेंगे, स्पिरिट एनिमल को, स्पिरिट गाइड को कहेंगे कि प्लीज़ ये सारी एंटिटीज़ को तृप्ति दे दीजिए, ताकि ये उनके परम लोक में चले जाए, और हमारी लाइफ में से कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, या हमसे कोई भूल हो गई, या सोल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इन एंटिटीज़ जो हमारी बाधा बन के खड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गूज़बम्स आएंगे आपको बॉडी में, और वो एंटिटीज़ इतनी खुश हो गई है ना कि आज उनको मुक्ति दे रहे हैं हम। कहाँ पड़ी थी पता नहीं, पर अमावस्या की रात में वो एक्टिवेटेड होती है, इसलिए शायद मुझे आज ये दिखा था। तो अब हम उनको ऊपर ऊपर जाते हुए देखो, सारा, जैसे नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, एक क्रेन होती है ना, क्रेन, वैसे आपको ऊपर यूनिवर्स से, आसमान से एक क्रेन आई है, पुल कर रही है सारी एंटिटीज़ को, और वो एकदम ऊपर चली गई है, और सभी तृप्त हो गई है, सभी बहुत खुश होके गई है, हमें ब्लेसिंग्स देके गई है। कोई ना कोई एंटिटी, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज, या कोई ना कोई पितरू की एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स, कुछ भी होगी, वो सब आज रिलीज़ कर दी हमने, छोटी मोटी बड़ी जो भी थी, तो वो निकल गए। अब आप और आगे जा रहे हो, आपका स्पिरिट एनिमल आपके साथ है, आपने कितने पड़ाव पार कर लिए, अब लास्ट में आपको एक वेल दिखेगा, कुआं दिखेगा।
अब क्या हो रहा है ना कि आप जब इस कुएं के पास आ गए हो तो आपको कुएं के अंदर झांक के देखना है, पानी दिख रहा है? सब लोग देखिए, पानी दिख रहा है आपको? पानी है, पूरा भरा भरा सा नहीं है पर आधा तो है, ठीक है। अब इस कुएं के पास ना आपको अपने स्पिरिट एनिमल को बोलना है कि मुझे ऐसी चीज़ दिखाओ जो मेरी लाइफ बदल दे। तो आपको वो कुछ दिखेगा, पहले थोड़ी देर आप देखिए क्या दिख रहा है। अगेन 30 सेकेंड्स आई विल गिव यू। कुएं के पास आपको कुछ दिखेगा, आपको अपने स्पिरिट एनिमल को बोलना है कि प्लीज़ मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाइए जो मेरी लाइफ बदल दे, कोई ऐसा पर्सन दिखाइए। हिंट देती हूँ, और आप देखोगे कुएं के पास आपको कुछ दिखाई देगा। उसके पहले स्पिरिट एनिमल और आप दोनों जन इस कुएं का पानी निकालोगे। हाँ, वहाँ पे कुछ पड़ा होता है ना, बाउल जैसा कुछ होता है, जो वहाँ से नीचे से करके ऊंचा करके आपने पानी निकाला, और उस पानी से आपने अपने पूरे बॉडी पे वॉश कर लिया, मतलब नहा लिया है, और आप एकदम क्लींस हो गए, मतलब एकदम नेगेटिव एनर्जीज जो भी थोड़ी मोटे अंश भी थे सब खत्म, और अब आप एकदम पवित्र न्यू बॉर्न सोल, वेरी वेरी फ्रेश। आपको पूरी बॉडी में एकदम अलग ही लहर फील होगी, और जैसे ही आपने पूरी बॉडी में नहा लिया है ना, आप एक प्रदक्षिणा करोगे उस वेल की, ताकि उस वेल के अंदर भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी उसको भी तृप्ति मिल जाए, अगर थी तो। मुझे नहीं दिख रही है, अगर किसी को दिखे तो वो भी ऊपर चली गई है, लुप्त हो गई है। और अब आपको वेल के सामने एक बहुत ही मस्त जगह है, जहाँ पे आपको एकदम मस्त प्रकाशमय प्रकाश आने लग गया है, जैसे नहीं कोई बड़ा सा देव खड़ा होता है ऐसा कुछ, आपको प्रकाश आएगा और वहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई देगी, एक कोई इंसान दिखाई देगा। मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बताऊंगी, वो है आपके गुरु, आपकी लाइफ में आपको जिसने ज्ञान दिया है, जिसने आपकी लाइफ बदली है, या कोई भी इंसान जिससे आपने कुछ सीखा है या सीख ली है, ठीक है, वो आपको दिखेंगे। और वो जो गुरु होंगे ना, वो इस पूरे जंगल के बड़े हेड होंगे, जो पूरा जंगल संभालते हैं ना, वैसे होंगे। अगर आपको गुरु नहीं दिख रहे तो आप विजुलाइज कीजिए कि एक संत है या कोई ऋषि मुनि है, ऐसे भी उनकी वेशभूषा हो सकती है अगर आपको गुरु नहीं दिख रहे तो। और वो जो है उनके सामने सबसे पहले हम शत शत नमन करेंगे, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करेंगे, और उनके पैरों में हमारा सिर रखेंगे और बोलेंगे कि आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की जो रात है अमावस्या की, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होती है एनर्जीज वाइज, और हमने सारी नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज, साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक, ऑल द नेगेटिव नजर दोष और एनी डैम थिंग विच वॉज देयर इन आवर लाइफ, इन आवर बॉडी माइंड एंड सोल, वी हैव क्लेंज्ड इट बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी विच ट्राइड अस टू हेल्प टू डू दिस मेडिटेशन विद हिज जॉय एंड ग्लोरी। तो हम उनको पैरों में झुक के नमन करके फिर उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो हमारे सिर पर हाथ रखेंगे और हम बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, जैसे उनका स्पर्श होता है ना हमारे सिर पे, हम बहुत ही, वो बोलते हैं ना, पुण्यशाली आत्मा बन गए हैं। और अब आपका समय आ चुका है उनका आशीर्वाद लेने के बाद, आपकी जो ऊपर से स्काई में से जो शटर खुला था ना, वो वापस खुल गया और आपको ऐसे ही क्रेन की तरह ऊपर खींच लिया गया है आपके सोल को, मतलब। और अब आपकी सोल भी जबरदस्त चार्ज्ड अप हो चुकी है और वापस वो पॉजिटिव जगह पे चली गई है हेवन में, और आप अपनी जगह पे, आप जहाँ पे थे आपके घर में वहीं पे हो, और थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड्स के लिए आप आंखें बंद ही रखना।